लाइट हमारे चारों ओर है। बिना लाइट के अपनी ज़िंदगी को इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आखिर ये लाइट होती क्या चीज़ है? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ का पहला एपिसोड होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइट आखिर है क्या? इस टॉपिक पे जंग न्यूटन के समय से चली आ रही थी। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानते हुए कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को दिया, जिसके मुताबिक लाइट कॉर्पस्क्यूल नाम के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एक सोर्स ऑफ लाइट भारी मात्रा में कॉर्पस्क्यूल्स को एमिट करता है। हालांकि ये थ्योरी बाद में चलकर गलत साबित हो गई, लेकिन लगभग 50 से भी अधिक सालों तक सभी इसी थ्योरी को सही मानते रहे। फिर उसी समय लगभग साल 1677 में एक डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगंस ने एक नई वेव थ्योरी दी, जिसके मुताबिक लाइट वेव है, और वो भी मैकेनिकल वेव, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल साउंड और वाटर वेव की तरह। उस समय ये मीडियम ईथर को माना जाता था, जो कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, यानी कि एक ऐसा मीडियम जो असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाइगंस के मुताबिक हमारे पूरे यूनिवर्स में ईथर फैला हुआ है, जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। हाइगंस अपनी इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर ये लाइट बनी किस चीज़ की होती है, ये अभी भी हमारे सामने था। तो इसलिए साल 1861 में एक फेमस फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लाइट क्या है और कैसे ट्रेवल करती है। आइए डिटेल में जानते हैं मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में क्या बताया। दरअसल मैक्सवेल ने सबसे पहले अपनी स्टडी चार्ज पे की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वह अपने चारों ओर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर वही चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, पर अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करेगा। होता कुछ ऐसा है कि एक्सेलरेशन की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो एक बार फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और ये साइकिल चलता ही रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण होता है। इसी चीज़ को साबित करने के लिए मैक्सवेल ने चार फेमस इक्वेशन भी दी, जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और बाद में जब मैक्सवेल ने इन चार इक्वेशन को सॉल्व किया तो पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी से मिलकर बनी होती हैं, जो कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं, और ये कॉन्स्टेंट स्पीड है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मैक्सवेल की थ्योरी से पहले तक हम सभी वेव्स जैसे कि यूवी रेस, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेस की स्टडी अलग अलग किया करते थे, लेकिन मैक्सवेल ने इन सभी वेव्स को यूनिफाई किया और बताया कि ये सभी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से ट्रैवल करती हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट की स्पीड सेम है, तो इसलिए मैक्सवेल ने यह भी बताया कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जिसकी वेवलेंथ 300 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक लाइट एक तरह की एनर्जी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी भी हमारे सामने था, वह ये था कि आखिर लाइट ट्रैवल किस मीडियम में करती है। हालांकि हाइगंस के मुताबिक लाइट ईथर नाम के एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रैवल करती है, लेकिन मैक्सवेल का ये मानना था कि लाइट समेत सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में तो मैक्सवेल की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब साल 1887 में फेमस माइकल सेनन मोरले एक्सपेरिमेंट को किया गया तो उसने ये साबित कर दिया कि मैक्सवेल सही थे, यानी कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। मैक्सवेल की इस थ्योरी के बाद सालों से चली आ रही परेशानी पर विराम लग गया था, पर सिर्फ तब तक जब तक आइंस्टाइन ने साल 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। आखिर क्या है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम इस वीडियो सीरीज के सेकंड एपिसोड में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।